1985 में सिर्फ एक वार्ड का प्रेसिडेंट करके मेरी नियुक्ति हुई थी मीरा रोड में। तब इस शहर की आबादी सिर्फ 1 लाख के आसपास थी और 91 में जब पहली बार मैं नगर सेवक बना तब इस शहर की आबादी 1.25 लाख थी। तब हमने इस शहर का पूरा नक्शा तैयार किया, डेवलपमेंट प्लान तैयार किया और उस डेवलपमेंट प्लान के तहत आज जो आपको इस शहर में चाहे जैसल पार्क चौपाटी नजर आती हो या बस स्टैंड कहीं नजर आता हो या गार्डन प्लेग्राउंड नजर आता है या रास्ते शहर में नजर आते हैं या स्मशान कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड हॉस्पिटल जॉगर्स पार्क गार्डन्स आपको कहीं नजर आते हैं तो वो उस डेवलपमेंट प्लान बनाने की वजह से नजर आते हैं। और उस डेवलपमेंट प्लान बना करके उसको अमल में लाने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस गांव को एक शहर का रूप देने के लिए हमको 25 साल लगे 25 साल। और अभी के विधायक कहते हैं कि मैंने 5 साल में शहर बना दिया। ये भी नगर सेवक थे, अपक्ष नगर सेवक थे, इंडिपेंडेंट नगर सेवक थे। तब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गलियारों में चक्कर लगाया करते थे कि ये पद मिल जाए वो पद मिल जाए। आज वो सवाल उपस्थित करते हैं कि मुजफ्फर हुसैन का शहर से क्या संबंध है, वो यहां शहर में रहते ही नहीं थे। तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा उनको कि गणपति दर्शन के लिए मंडल में अपने बुलाने के लिए आप ही हर साल मेरे मुझे दरवाजे पर आया करते थे।